ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। बस 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 हो गया, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग, गुड पावर कंपनी से है, क्या आपने सर्विस फेलियर की कंप्लेंट की है? हाँ, मैंने ही फोन किया था। आइए अंदर आइए। थैंक यू। चलो जल्दी चलो प्लीज। यहाँ पावर कट होने से पहले कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जो आपको याद है कि आपने देखा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ कोई खराबी नहीं है। तो खराबी कहाँ है? अगर खराबी यहाँ पर नहीं है तो फिर मेरे पास एक सवाल है। हम ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा प्लग्स हैं, जैसे कि टीवी हो, डीवीडी हो और फिर ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीजें हो। सेकंड फ्लोर पर है, आइए मैं दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए। अंकल। आओ फ्लोरा, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, लेकिन बदल गई हो। तुम्हारा बहुत इंतजार किया। हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं। वतूसी कहाँ है? वो अभी सलीना के साथ गया है, वो लोग बजूट हो गए हैं ट्रेनिंग के लिए। सलीना के साथ? ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे। शुक्रिया। म्यूजिक तैयार है? डांसर्स नहीं है तो किसी और दिन आते हैं ना। चलो नहीं, निकलते हैं। नहीं 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 नहीं, इधर आओ। जब तक सोफिया के डैड भी आ गए। जल्दी करो, वो सामने ही है। तुम्हें वहां से अभी के अभी निकलना होगा। हमने सोचा भी नहीं था वो आ गया, लेकिन चलो निकलो वहां से। मथिल्दे, वो लोग अंदर जा रहे हैं। मैं इसका मैप चेक करता हूँ, वो अभी यहाँ पर है। सुनो, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ, तो मेरे साथ आओ। मारियो, तुम जाकर देखो क्या है। फ्लेचर, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम बच पाएंगे? एक आदमी घर के सामने गश्त लगा रहा है, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। तुम सतर्क रहना, जल्दी निकलो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यार। मथिल्दे, मैं पीछे देखकर आता हूँ, वो बैरियरों के साथ होगी। ऑलराइट। बदल दे। तुम्हें वहां से निकलना होगा, हॉल के दूसरी तरफ वाली बालकनी में पहुंचो। जल्दी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। युवानी, बाहर का रास्ता बंद है, कोई और रास्ता बताओ। नहीं तो वहां से नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। तुम्हें बालकनी से पुल में जंप मारना ही होगा, इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। बैरियरो, बदल दे, बदल दे। हिलना मत। मिस मथिल्दे, सांता हेलेना कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। हम लोग आराम से बात क्यों नहीं कर सकते?
अभी तुम्हें आराम से बात करवाता हूँ। बात कर सकते। कोई चालाकी नहीं, वरना मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगा। निकल दे। जाओ तुम। चलो। जवाब दो। विसंटे कहाँ हो? मिस्टर विसंटे, कहाँ हैं आप? चलो निकलो, निकलो। कोई घर के अंदर घुस गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई घर के अंदर घुस गया है। मिस्टर विसंटे, आपको क्या हुआ? आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ। बस, आ जाओ, गाड़ी शुरू करो। देखो, नहीं, मुझे नहीं होगा। बातू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो लड़की फ्लोरा तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। सुनो, बहुत अच्छे। क्या है ये, नया स्टेप है क्या? मुझे भी सिखाओ। देखो, तुम्हें सिखाने का क्या फायदा, तुम इसके लायक नहीं हो। तुझे इससे क्या? तुम बताओ क्या चल रहा है। ये कोरियोग्राफी में सेलेना की मदद कर रहा था। सही है ना सेलेना? बस मैं सिखा रहा हूं। सही है, तुम दोनों अकेले हो यहाँ। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? डांसर्स नहीं है, बोलो नहीं है। तुझे तो मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, देख लेना। रोहिता समझती है अपने आपको। फ्लोरा, बाय स्वीटहार्ट। फ्लोरा मेरी बात सुनो। सही है, ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो हर वक्त उन लोगों के साथ रहते हैं जिनकी तकदीर खराब हो। हमारे पास हेलमेट्स और गूगल ऑन। अरे हाँ, हमारे पास गूगल और हेलमेट्स ऑन है। क्या हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए? अब और दिमाग मत लगाओ, अब उस घर में घुसना नामुमकिन है। अरे हार्वी, जरा दिमाग ठंडा रखो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास सेंटा हिलेना को लाने के चक्कर में हमें उस स्पैनिश आदमी को मारना पड़ता और तुमने कहा था कि उसको मारना नहीं है। क्या करते हैं? मैं उसे वही खत्म कर देना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्लान के साथ चलते हैं। फ्लोरा सारे खिलौनों के साथ उस घर के अंदर जाएगी और हमें पल पल उस घर की खबर देती रहेगी। तुम चाहते हो उस बेवकूफ लड़की को घर के अंदर भेजे? हम डोमिंगोस को पकड़ क्यों नहीं लेते? उसे अपने साथ रखेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे और जैसे मुंह खोले उसे शूट कर देंगे। क्या कह रही हो तुम? मैं उस आदमी के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं हूँ ताकि मुझे सेंटा हेलेना मिल जाए। ये लड़की अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करती। अगर मैं उसे मार रहा हूँ तो उसके लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। मैं उसे धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा और देखना, मैं उसका नामो निशान पूरी दुनिया से मिटा कर ही दम लूंगा और फ्लोरा के साथ उसे वहां मारूंगा जहां उसे दर्द होगा। और उसके बाद मैं उसे सेंटा हेलेना केल्वाचो को दे दूंगा। वो आदमी देखेगा कि उसकी जिंदगी कैसे बिगड़ती है। ओके गर्ल्स, आज की क्लास खत्म हो गई है। वाओ, तुमने बहुत अच्छा किया सोफी, तुम इस फैमिली की आर्टिस्ट हो। वाकई में मजा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाब्लो मेरे साथ था और हमें कुछ काम था, तो मैंने उसे कहा कि मेरी कजिन के स्कूल पास में ही, तो उसने कहा ठीक है चलो चलकर हाई कह देते, उसमें बुराई क्या है। तो हम लोग आ गए बस हाई कहने के लिए। वैसे ये कौन है? इनसे मिलिए, ये लिलियाना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये okay. मार्कोस है, मेरा कजिन। सोफी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। आई होप कि मेरे बारे में तारीफ ही करती होगी। सच कह रहा। वैसे तुम लोग अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लासेस हो गई या बाकी नहीं, है अभी भी? क्यों, मेरा कॉलेज हो गया है। वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम लोग फ्री हो गए हो तो साथ में कॉफी पीने चलते हैं, पीछे एक बहुत ही मस्त कॉफी की शॉप है। तुम एक सेकंड के लिए रुकोगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं खड़े हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। ठीक है, जल्दी आना। थैंक्स फॉर वेटिंग, बाय। ये देखो, उन्होंने यहीं से पावर बंद किया था, वो हमारी नाक के बिल्कुल नीचे थे और हमने उन्हें देखा तक नहीं। देखिए, मैं तो सिर्फ पैरामीटर को बंद कर सकता हूँ, आपको पता है, अगर हमें कोई और सबूत चाहिए तो। मगर अच्छा यही होगा कि हम इनसे कोई होप ना रखें, क्योंकि ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल है और ये कोई भी सबूत हमारे लिए नहीं छोड़ते। एक सेकंड को। तुम्हें पता है, कल एक आदमी फोटोज ले रहा था, वो एक रिपोर्टर था,
और वो सेंटा हेलेना के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा था और आज सुबह वो मेरे ऑफिस जाने वाला था। वो कुछ मत बोलो, वो नहीं गया। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो बिना किसी कंफर्मेशन? उसके पास कोई आईडी नहीं थी। उसने मुझे बोला कि वो एक अखबार के लिए काम करता है। मैंने इंटरनेट पर देखा तो उसका नाम था, फोटो था। क्या हम फिर से कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। लौरा, क्या तुम मुझे पूरा शहर घुमाओगी? रुको ना, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें पहले बताया कि सेलेना मुझसे कोरियोग्राफी सीखना चाहती थी, मैं उसकी मदद कर रहा था, बस इससे आगे कुछ नहीं। तुम तो जानती हो ना? क्योंकि मैं जानती हूँ बातों से, तो क्या वो औरत सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे रहेगी? दरअसल वो बात ये कि उसने मुझ पर एहसान किया क्योंकि उसने मुझे बीच पर लेसन में मदद करी थी क्योंकि तुम वहां पर नहीं आई थी ना। देखो, अगर मैं नहीं आई तो उसके पीछे कोई वजह थी। क्या वजह? क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं पाई थी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? अच्छा तुम बताओ, तुम उठ क्यों नहीं पाई? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बच्चों के लिए कभी भी देर नहीं करती, पर आज क्या हुआ है तुम्हें? फ्लोरा, मुझसे बात क्यों नहीं करती? सेलेना के साथ जो हुआ बता दिया, लेकिन तुम नहीं बता रही। इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? क्या चल रहा है? मैं अजीब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हाँ सही है, तो फिर मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम क्यों नहीं थी? तुम्हें कॉल किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। और अब बालों के साथ क्या किया है? मेरा मतलब तुम खराब नहीं लग रही हो, बस तुम पहले बहुत अच्छी दिखती थी। बातों मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि जो मैंने बालों के साथ किया वो किया। मैं एकेडमी चली गई क्योंकि गॉडफादर ने क्लासेस के लिए पे किया। तुम जानते भी हो वहाँ के कुछ रूल्स हैं जो मुझे मानने पड़ते हैं। और देखो क्या? एक और बात है, मेरे गॉडफादर एसओ की मदद कर रहे हैं। क्या? तो बताओ, तो सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तुम कोई ऐसे निशान क्यों नहीं छोड़ देते जिस पे लिखा हो मुझे भागना है तो गार्ड दरवाजा खुला छोड़ दे। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा, कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल हूँ? हाँ, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? जरूरी है कि तुम भागना मत जैसा तुमने बस में किया था। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे एक गड्ढा मिला है ह्यूमिडिटी की वजह से, और मुझे लगता है कि ये जेल की दीवार बहुत ही जल्दी गिरने वाली है। हम यहाँ से बिना कोई मेहनत किए बहुत ही जल्दी भाग सकते हैं। और तुम्हारा दिमाग भी ह्यूमिडिटी से भर चुका है और जल्दी तुम उसमें गिर भी जाओगे। शांति रखो, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौकन्ने रहो, उनकी नज़रें तुम्हारे ऊपर ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने मुझे अजीब होते हुए देखा? नहीं फ्लोरा, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत पक्का हूँ, मैं बच्चों के क्लासेस को लेकर भी पक्का हूँ और तुम्हारे लिए भी। और ये सब सच है, क्या तुम ही यही बोल सकती हो? क्या हो गया? मुझे जाना होगा। पर क्यों, कौन है ये? बताओ मुझे, तो मुझे इसी वक्त जाना होगा। देखा फ्लोरा, फ्लोरा मत जाओ, फ्लोरा मुझे छोड़कर मत जाओ फ्लोरा। मैं सच कह रहा हूँ, कल जब मैंने चेक किया तब उस आदमी की शक्ल थी यहाँ पर। ये आदमी तो हमसे बहुत ही आगे निकल गया। और क्या कल वो आदमी आज की चोरी के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा था? हमें और चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। तुम्हें पता है मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो हमें उन तक ले जा सके, लेकिन अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन को जवाब ढूंढ पाती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन मरीन बायोलॉजी पढ़ना मुश्किल नहीं है? क्या बात कर रही हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उससे ज्यादा डिफिकल्ट तो डांस है जो मैंने तुम्हें करते हुए देखा है। पर पाब्लो, मैंने तुम्हें मुझे देखते हुए देखा था, मुझे नहीं, कुछ नहीं सुना, मैंने नहीं, देखा नहीं, था। बात नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड की दोस्ती भी ऐसी ही शुरू हुई थी। अब तुम शुरू मत हो जाना यार। वैसे मेरा भाई आज बोट यूज नहीं कर रहा, तो तुम लोग चाहो तो हम लोग बोट पर चलते हैं, मस्ती करते हैं, लंबी राइड पर जाएंगे। आज का दिन भी बहुत मस्त है, धूप भी जबरदस्त है, तो हम लोग टैन भी हो जाएंगे। तुम लोग चलोगे क्या? बिल्कुल चलते हैं, मुझे सांवला होना है, चलो ना पाब्लो। मिस सोफिया, हमें घर जाना है, मुझे कॉल आया था कि वहाँ पे कुछ हुआ है। तुम्हारा क्या मतलब है, अब क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, बस वहाँ कुछ हुआ है। देखो कुछ करते हैं, चलो घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा समय लगेगा पाब्लो, हम वापस आकर बोर्ड पर भी घूम सकते हैं। हे, सोफी, 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 मेरी बात सुनो, हम इस बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी तुम इनके साथ जाओ। लेकिन
हाँ सूफी तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, हम लोग बाद में बोट पे आ जाएंगे, अपनी बोट है, हम बाद में मिलेंगे। लेकिन हम बात जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखो सूफी। पर अगर आपको सुरक्षा मिल रही है तो आप लेना क्यों नहीं चाहते हैं सर? ले लीजिए, उन्होंने आपके साथ जो किया आपने देखा ना, अगर सोफिया घर में होती तो क्या होता जरा सोचिए। सर वो लोग बहुत खतरनाक हैं, आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? सुरक्षा ले लीजिए, आप इतना सोच क्यों रहे हैं सर? ये सही नहीं कर रहे आप। चिंता मत करो मटिल्डे, किसने बोला कि ये सब मैं कर रहा हूं? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है, सोफिया और मैं कर्नल टॉरेस की निगरानी में मान गए थे। देखो बैंक में चोरी होना एक बिल्कुल ही अलग बात है, और वो लोग उस चीज के लिए परेशान कर रहे हैं जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है कि मुझे किसे कॉल करना है, क्योंकि पुलिस तो अंदर तक जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई मेरी साइड से, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? और टाइम तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे जवाब दो। नहीं दूंगा। प्लीज हमें छोड़ दो। बोलता 7829 ये कोड है, यही कोड है। बस तुम्हारे पति को इस अकाउंट में पैसे डालने बोलो, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं कोई नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया। हाँ बोलो। बैठो इधर। आपको कुछ चाहिए सर? हमें अकेला छोड़ दो पेरिस। बिल्कुल मैं जाता हूं सर, अब तुम जा सकते हो। तुम्हें पता चला जिंदगी तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रही है? तुम मेरे बारे में जानते हो ना? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि सारे कॉप्स बिल्कुल एक जैसे पागल ही होते हैं, पता है तुम्हें? तुम ज्यादा होशियार मत बनो। मेरा खास आदमी मारा गया, उन्होंने फिर से सांटा हेलेना को चुराने की कोशिश की, और तुम जानते हो वो कौन है? मैं तुमसे फिर से वही कहूंगा जो मैंने DEA के ऑफिस में तुमसे कहा था जब तुम मुझसे पूछताछ करने आए थे। अगर तुम्हें सच जानने का इतना ही शौक है तो तुम कहीं और जा सकते हो, भाड़ में जाओ। सच तो मैं किसी भी हाल में जानकर ही रहूंगा। इस समय तुम्हारा दोस्त परिवार कोई भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हें क्या लगता कोई तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है, भले इससे तुम्हारा कोई मतलब ना हो। अगली सुनवाई जल्दी होने वाली है, अगर तुम किसी वकील के साथ नहीं गए तो तुम बहुत ही लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले हो। देखो इसीलिए कहता हूँ अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। बताओ कैंडेलेरियो के साथ तुम्हारी जमती है? हाँ सर, मेरी उसके साथ जमती है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मैंने फ्लोरा उसकी मॉम से बात की है, काम चल रहा है, हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी उसको बाहर निकाल लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम इस झमेले में ना पड़ो तो ही बेहतर है। क्यों नहीं पड़ो? सही सुना तुमने, अपॉइंटमेंट्स को और आगे बढ़ाते चले जाओ। इस केस को जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रखा है ताकि तुम फ्लोरा को झूठ बोलो और कैंडेलेरियो को शांत रखो। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो ऊपर वाले में बहुत यकीन करता है, वो अपने आप को शांत रखता है, उसकी हरकतें पूरी तरह से बदल चुकी हैं, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, उस पर कोई तो जादू हुआ ही है। नहीं नहीं नहीं, कोई जादू नहीं है, हम ऊपर जाने की बात नहीं करेंगे, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, सुना तुमने? सर आप जो कह रहे हो मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, एज ए लॉयर मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे हैं, ऐसे प्रोफेशन में ऐसा काम करना मेरे लिए मुश्किल है। ओहो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने कहा सैन पेड्रो क्लेवर पैट्रन ऑफ कार्टेगेना के बारे में पढ़ा है? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा, इसको तो पढ़ा होगा। हाँ इसको तो सबने पढ़ा है सर। तुम्हें पता मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा बिना परिवार के, बिना अपने दोस्तों के, तुम जेल में अकेले रह रहे हो। मैं इस सिचुएशन को बिल्कुल सही कर सकता हूँ, तुम्हें बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड के बाहर जाने दे सकता हूँ, और तुम इस देश के बाहर भी जा सकते हो बिना किसी को बताए, बिना किसी कार्रवाई के, तुम इस देश को छोड़कर बाहर जा सकते हो। देखो मैंने सब सेट कर दिया, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है।
और ये रहा मेरा ऑफर। तुम इस देश को प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत छोड़कर जा सकते हो, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ, उन्हें कोई खतरा नहीं। बस तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि वो गैंग कहाँ है, और इसमें तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम मुझे जवाब दो, अभी भी सही वक्त है। अगर तुमने मुझे सब सच नहीं बताया तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।